नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.3 जिसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर एंड 40 मीटर डीप द अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन स्प्रेड ऑल अराउंड it in shape of circular ring width 4 meter form embankment find height of embankment। देख लीजिए भाई, इसने जो बोला है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर है। सपोज ये वेल है, वेल हाँ, इसका जो डायमीटर है वो 3 है, तो उसका जो रेडियस है वो 3/2 मीटर होगा। इसका जो हाइट है वो 14 मीटर होगा। फिर क्या बोला है, द अर्थ टेकन आउट हैड बीन स्प्रेड आउट अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, इसके आजू बाजू एक सर्कुलर रिंग जैसा, ऐसा एक सर्कुलर रिंग बनाएंगे हम, ऐसा एक बनाया रिंग। सपोज ये है 3/2, ये रेडियस है आर 3/2, विड्थ 4 मीटर, ये 4 जो, तो कितना आया 4 + 3/2, 4 × 2 = 8, यानी कि 11/2 मीटर। तो फाइंड हाइट ऑफ एंगेजमेंट, इसके आपको ए कैपिटल एच फाइंड करनी है, कैपिटल एच फाइंड करनी है आपको। देख लीजिए, दूसरा कुछ नहीं है। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट ए पाई आर स्क्वायर एच, ए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समझो मेरे को इतना ही चाहिए, तो कैपिटल आर ए इसमें से आर स्क्वायर एक कट करूंगा, यानी कि स्मॉल आर को इसमें से जो बड़ा है 11/2 है उसमें छोटा मैं कट करूंगा, बड़ी रेडियस में छोटा कट करूंगा। देखो बड़ा कितना होगा 11/2, तो 11/2 में 3/2 में कट करूंगा, और ये कैपिटल एच वो चाहिए, पाई पाई कैंसल, ये 3/2 एच 14 है, ये कितना है 11/2 का स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 7 होगा, (121 - 9) (2×2=4) होता है, ऐसा नहीं करता है, इसे इसको ऐसे ही रखो, 2×2=4, 4×4 कैंसिल, ओके। आगे बात करें,
कितना होगा 112, कितना होगा 112 होगा, एम्बैकमेंट के बाल है, हाइट फाइंड आउट की ना बोला है 121, पाई पाई तो कैंसिल हो गया है, ये फोर भी कैंसिल, 121 देखते, 3 3 9 ये 14 है, ये 7, ये 4 4 कैंसिल, सॉरी ये 14 है, सो एच इज इक्वल टू 14 9 सर, इसका कितना होगा, ए 112 यानी कि ए 14 इन 72 जार 9 112 का 56 2 जार 8 7 जार 9/8, इसका हम डिवीजन करेंगे, इसका डिवीजन करो 1.125 आएगा, कुछ नहीं है, इजी है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5, ए कंटेनर सेप्ट लाइक राइट सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर इज अ फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम आईएमपी समय इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन, कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, फाइंड नंबर ऑफ कोन विथ फिल ऑफ आइसक्रीम, एक कंटेनर है उसमें एक आइसक्रीम, कितने आइसक्रीम चाहिए, तो ये फाइंड करने के हैं, इसकी हाइट, इसका डायमीटर है 12, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसका हाइट, कौन का हाइट 12 सेंटीमीटर h, इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम या n पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब, देखो है 6 × 6 × 15 1/3 पाई कॉमन 2, यहां आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा h प्लस 2r, देख लीजिए यहां n r कितना है
तीन इंटू तीन एच, थ्री फाइव जर एटीन, एटीन हुआ, थ्री टू जर थर्टी सिक्स, एट टू जर कितने आए, एट कॉन्स, टेन कॉन्स आए, कितने हैं, टेन कॉन्स, ये राइट ही आंसर है। इजी ट्रिक में किया है, बहुत इजी ट्रिक में। उसके बाद की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट मेल्टेड to form cuboid dimension देखो कुछ नहीं है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन ऐसे होते हैं, हाउ मेनी यानी कि n, सो मस्ट बी मेल्टेड इन टू फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, फिगर ड्रॉ अच्छे करनी जरूरी है। सो इसका रेडियस डायमीटर हाइट है, ये हाइट तो एक देख लो, हाइट है 2 mm यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.75, तो रेडियस होगी 1.75 बाई 2। रेडी, यहाँ लेंथ की बात करें तो 5.5, ब्रेथ की बात करें तो 10, और हाइट की बात करें तो है 3.5 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच एल बी एच, पाई 22/7 170 by 200, h 2/10, 55/10, 10। रेडी, देखो वैल्यू सब डाल दी, कैंसल ना कैंसल, 35 का टेबल बोलो भाई, पता चल जाएगा 35 और 4 जार 140, 35 5 जार। रेडी, 35 5 जार आ गया, 100 जार हो गया। ये कितना होगा, 11 2 जार 100 2 जार 25 7 जार। देखो ये 55 ऊपर जाएगा, ये सब नीचे जाएगा, 11 5 जार 5 5 कैंसिल, 25 4 जार 400 इज अवर आंसर, 400 कॉइन्स इज अवर आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। रेवड़ी, इजी समय, बहुत इजी है, तो यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओनली जय भारत, ओके okay?